और एक ऐसी जगह पर पेड़ काटने के आदेश देते हैं जहां पर पेड़ काटना अलाउड ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना। ये किस पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए एलजी खुद जाकर ये डायरेक्शन दिए? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये बात आई तो उन्होंने बार बार एलजी को फटकारा, कहा कि तुम अपने आप को कोर्ट मानने लग गए हो। 3 तारीखों तक एलजी ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, भाजपा ने दिल्ली वालों को गुमराह किया ये बोलकर कि आम आदमी पार्टी ने इसकी परमिशन दी थी, जो पॉसिबल ही नहीं है। लगातार दिल्ली के एलजी दिल्ली की लंग्स काटना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, इसका जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट को क्यों गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को भाजपा बार बार गुमराह क्यों कर रही है, इसका जवाब दें। अगर वो दिल्ली के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाना बंद करें। बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अनेकों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कदम उठाए हैं। लॉन्ग टर्म स्टेप्स में आज दिल्ली में कोई भी इंडस्ट्री, लगभग 1700 इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी इंडस्ट्री सीएनजी फ्यूल पर नहीं चलती, सब पीएनजी फ्यूल पर कन्वर्ट हो चुकी हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स के तहत ही दिल्ली में एक बहुत प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसमें देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज किए गए हैं, क्योंकि यहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1800 चार्जिंग स्टेशन अभी तक बना दिए हैं। परचेज करने पर सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगभग 1800 बसेस अब इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, जिससे और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया गया है। साथ ही दिल्ली में 24 घंटा बिजली मिलती है, जिससे जनरेटर और इन्वर्टर का यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे ही एक लॉन्ग टर्म मेजर है पेड़ लगाना। दिल्ली सरकार ने दिल्ली का ग्रीन कवर पिछले 10 वर्षों में एक हिस्टोरिक हाई पर ले गए हैं। लगभग 24% दिल्ली ग्रीन कवर है, दिल्ली में 24% ग्रीन कवर है। बीते 4 सालों में ही 2 करोड़ पेड़ दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। 17 सिटी फॉरेस्ट दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें 6 और फॉरेस्ट जंगल दिल्ली के अंदर क्रिएट कर रही है, जो कि है शास्त्री पार्क में मेट्रो स्टेशन के पास, आईटीओ चुंगी पार्ट 2 के पास, मुखबेलपुर में, शिकारपुर में, आया नगर में और जौनापुर में। यहाँ भी सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं, 6 यहाँ भी सिटी फॉरेस्ट क्रिएट करे जा रहे हैं। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पेड़ लगा रही है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का लगातार प्रयास कर रही है, और एक तरफ है दिल्ली के एलजी जो एक इको सेंसिटिव जोन में चोरी छिपे जाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर पेड़ काट आते हैं। वहां एक भी पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होती है, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उस इको सेंसिटिव जोन में, सतबरी के रिज एरिया में एक भी पेड़ काटना अलाउड नहीं है। इसमें एक में मैंने देखा कि केंद्र का पोल्यूशन बोर्ड वो बताता है कि पेड़ कैसे प्रदूषण पर नियंत्रण पाते हैं और हमारी जीविका के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ट्रीज एंड एनवायरमेंट करके ये एक राइटअप है जो आपको सरकारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और इसमें लिखा है कि एक मच्योर पेड़ साल में 22 किलो और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है, साथ ही पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
एक मच्योर पेड़ दो इंसानों के ऑक्सीजन के लिए सालाना रिक्वायरमेंट की ऑक्सीजन की सालाना रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त होता है एक पेड़। इतने इंपॉर्टेंट है ये पेड़। साथ में ये भी लिखा है इसमें कि हवा तो साफ करते ही है पेड़, ये नीचे की जमीन और सराउंडिंग ग्राउंड वाटर को भी साफ करते हैं। जो पेड़ों की रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कि फिल्टर करें रेन वाटर को, और जो भी केमिकल सराउंडिंग सॉइल में होता है वो ऑब्जॉर्ब करें। इतने जरूरी है पेड़। और आज के टाइम में एक भी पेड़ काटना दिल्ली में दिल्ली वालों के साथ अत्याचार है, पेड़ों के हत्यारे हैं एलजी। जो 1100 पेड़ सतबरी में काटे इन्होंने, उसके बारे भी आप सब जानते हैं कि 3 फरवरी को एलजी खुद सतबरी जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पेड़ काटने के आदेश देते हैं जहां पर पेड़ काटना अलाउड ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना। ये किस पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए एलजी खुद जाकर ये डायरेक्शन दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये बात आई तो उन्होंने बार बार एलजी को फटकारा, कहा कि तुम अपने आप को कोर्ट मानने लग गए हो। 3 तारीखों तक एलजी ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, भाजपा ने दिल्ली वालों को गुमराह किया ये बोलकर कि आम आदमी पार्टी ने इसकी परमिशन दी थी, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी परमिशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि एलजी दिल्ली के पेड़, दिल्ली की लंग्स, दिल्ली के फेफड़े काटने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी किदवई नगर, 3 दिल्ली की कॉलोनीज है, नेताजी नगर, ईस्ट किदवई नगर और नारोजी नगर, यहां भी एलजी ने लगातार पेड़ काटे। जहां पर ये ड्यूटी थी केंद्र सरकार की कि लगभग 9000 पेड़ लगाने हैं, वहां 1600 पेड़ काट दिए थे। जहां पर ड्यूटी थी कि किदवई नगर में, कि ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ये ईस्ट किदवई नगर का था, ऐसे ही नारोजी नगर में 1302 पेड़ काट दिए, और 1302 पेड़ काटने की बजाय उनको कानूनन 14,650 सैपलिंग्स लगाने थे, वो भी नहीं लगाए। लगातार दिल्ली के एलजी दिल्ली की लंग्स काटना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, इसका जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट को क्यों गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को भाजपा बार बार गुमराह क्यों कर रही है, इसका जवाब दे। अगर वो दिल्ली के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाना बंद करें। धन्यवाद। देखिए, भाजपा को ये समझना होगा और मानना पड़ेगा कि वो दिल्ली के लोगों को और गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि पूरे देश में अगर कहीं 24 घंटा बिजली मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है, पूरे देश में अगर मुफ्त बिजली कहीं मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है, और दिल्ली के बाद अब पंजाब में मिलती है, और इसके बाद इसके ऊपर के जो भी स्लैब्स हैं जो मुफ्त बिजली को क्वालिफाई नहीं करते, चीपेस्ट इन द कंट्री दिल्ली में बिजली मिलती है। तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि गुजरात में सबसे महंगी बिजली क्यों मिलती है, कि उत्तर प्रदेश में इतनी महंगी बिजली होने के बाद भी 8 घंटे के पावर कट क्यों लगते हैं। और भाजपा लोगों को भ्रमित करना छोड़ दे, दिल्ली वालों ने उनको बहुत अवसर दिए हैं, थोड़ा प्रोडक्टिव काम करें, दिल्ली की जनता के लिए काम करें। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।